हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूहों की बारिश हो रही है। यस एग्जैक्टली, पहली बार जब मैंने सुना देन आई वाज लाइक कि बादलों में से शायद चूहे निकल के गिर रहे। जिस तरीके से एसिड रेन या कभी कभी फिश रेन होता है, कभी कभी स्नेक रेन होता है, तो आई लिटरली थॉट कि द रेन्स आर एक्चुअली फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, बट दे आर नॉट फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स। इतने ज़्यादा चूहे ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं कि एक तो प्लेग का कंडीशन वहाँ पे डाल दिया है, और दूसरा इट्स लाइक कि वेर एवरी वेर यू गो देर आर प्लैक्स। अपने कबर्ड में जाओ, किचन के अंदर जाओ, अपने रूम के अंदर जाओ, अपने बेड पे जाओ, अपने इवन हॉस्पिटल्स में आके उन्होंने पेशेंट्स को बाइट करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज़ द कंडीशन एंड दैट इज़ द क्वांटिटी द माउसेस आर देयर। तो इसी बारे में बात करते हैं कि ये माइस रेन क्यों बोल रहे हैं हम उसको, एंड व्हाट इज़ द रीज़न कि सडनली ऐसा क्या हो गया है कि हर सीज़न में तो हम नहीं सुनते, इस सीज़न में क्या हुआ है कि इतने ज़्यादा चूहों की तादाद हो गई है वहाँ पे। तो दिस इज़ लाइक लिटरली रेनिंग माइस इज इन ऑस्ट्रेलिया। आई एम गोइंग टू शो यू वन वीडियो। दिस हैज़ बीन सर्क्यूलेटेड हियर इन वायरल, इट्स लाइक वायरल वीडियो ऑल्सो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये व्हाट हैपन कि दिस वाज वन पर्सन जो अपना जो गोदान है उसको साफ कर रहे थे। तो जब गोदान को साफ कर रहे थे तो उनके पाइप में से सी दीज आर दी माउस, दीज आर दी चूहे जो निकल निकल के गिर रहे हैं। काफ़ी सारे डेड चूहे हैं, काफ़ी सारे जिंदा चूहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक सिचुएशन है। इसके अलावा अब मैंने बहुत सारी इमेजेस में पुट करी नहीं है क्योंकि वो इमेजेस मतलब लाइक मुझे भी देख के अच्छा नहीं लग रहा था। तो इफ़ यू आर रियली वेरी क्यूरियस तो आप एक बार गूगल पे जाके देख लेना। बट आप देख रहे हो कितने चूहे निकल रहे हैं इस पाइप में से। तो दिस इज जस्ट वन कंडीशन हियर एंड दैट इज व्हाई दे हैव सेड कि दिस इज लाइक लिटरली रेनिंग माइसेस। अब जहां पे भी देखो, जैसे नहीं होता चींटियां नहीं आ जाती है बहुत सारी, तो उस तरीके से यू कैन सी कि दिस इज द कंडीशन, एकदम मतलब अनकंट्रोल्ड कंडीशन होके रखी है अभी रोडेंट्स की। एंड दैट इज नॉट जस्ट हियर, दैट इज एक्चुअली ऑलमोस्ट ये दिस डोंट सी दिस, ओके, वी विल नॉट सी दिस, आई विल नॉट लेट यू सी दिस। हम लोग तो यू कैन सी दैट एवरीवेयर देर आर माउसेज, ठीक है। तो अभी द क्वेश्चन इज कि वॉट हैज हैपन्ड। तो रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि क्यों जो माउस का पॉपुलेशन है वो सडनली इतना इंक्रीज हो गया। बट वेर इज़ इट हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स का जो एरिया है वहाँ पे रोडेंट का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि उसको इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का नाम दिया गया है। नाम दिया गया है क्या है? वो प्लेग हो ही गया है वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने हर चीज़ नष्ट कर दी है वहाँ पे, चाहे वो आपके खेत हो, चाहे आपके कपड़े हो, आपके घर हो, इलेक्ट्रिसिटी में वो जितने भी हमारे ये शॉपिंग वाली दुकानें हैं सब में घुस गए हैं। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स बंद हो गए हैं क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंटेन देम। लाइक वो कहीं से नाली में से निकल के आ जाते, काट के आ जाते, तो यू नो हाउ द माउसेस आर, राइट। तो एग्जैक्टली दिस इज द सिचुएशन, लाइक इट इज अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, गवर्नमेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने एक सपोर्ट पैकेज, $50 मिलियन का एक सपोर्ट पैकेज दिया है कि जो माउस प्लेग की वजह से आपकी खेती को, आपके घर को नुकसान पहुंचा है, उसके लिए एक पैकेज दिया गया है। तो और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉइजन है जिसका नाम होता है ब्रोमाडाइलिन, इसको भी अप्रूव कर दिया है। हालांकि आउटलोड है जिसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन कंडीशन इतनी सीवियर है कि इस पॉइजन का यूज़ ऑथराइज कर दिया गया है। इस पॉइजन के बारे में भी बात करेंगे। दिस पॉइजन इज ऑल्सो लाइक ये भी ट्विन, हमारे पास ऐसी बात हो गई कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है कुछ करने के लिए, तो ये दिस इज़ द इकलौता सोल्यूशन। हालांकि इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे जो न्यू साउथ वेल्स के फार्मर हैं, इन्होंने इस प्लेग को इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, इकोनॉमिक क्योंकि उनके खेत बर्बाद हो गए हैं, इवन जो फसल उन्होंने गोदान के अंदर रखी थी उस गोदान में रखी हुई फसल को ख़राब कर दिया है, बाहर जो फसल खड़ी थी उस फसल को काट के ख़राब कर दिया है बहुत ज़्यादा। और इसीलिए इनिशियली तो ये डिमांड करी गई थी कि जो कॉस्ट ऑफ बेट मतलब चूहों को मारने के लिए जो दाना डाला जाता है उसका 50% गवर्नमेंट पे करे। बट हालांकि अब इन्होंने बढ़ा दिया है पैकेज और उसको शायद बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये जो दिस प्लेग वी आर सीइंग ना, दिस इज़ अ सिचुएशन दैट हैज़ नॉट बीन सीन इन द रीसेंट ईयर। मतलब अगर आपको याद होगा तो हमारे दादा दादी कभी कभी बात करते हैं कि अरे इस तरह का प्लेग आया था कभी यहाँ पे इंडिया में, राइट। तो वो दिस इज़ लाइक एजेस हो गए, उसको हम भूल ही गए, हमारे पास पिक्चर्स भी नहीं है उसकी। तो यहाँ पे ये अभी इसराइल में भी थोड़े टाइम पहले इसी तरह का एक प्लेग चल रहा था। तो ये दे हैव रूइंड एवरीथिंग, उनकी पूरी फसल ख़राब हो गई है, होटल्स में घुस गए हैं, सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, घरों में आप सो नहीं सकते हो, रह नहीं सकते हो, खा नहीं सकते हो। तो ऐसे में ये क्या हुआ है, व्हाट इज़ हैपन्ड, व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, रीज़न क्या है इसका कि ये माइस रेन हो रही है यहाँ पे।
ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी है जो CSIRO बोलते हैं इसको, इन्होंने बोला है कि प्लेग का रीज़न इस बार अबंडेंट ग्रेन हार्वेस्ट है. इस बार बहुत फसल हुई है, बहुत अच्छी फसल हुई है कि चूहों को खाने के लिए सरप्लस मिल रहा है. तो इसकी वजह से देखो चूहों में क्या होता है, माइस में क्या होता है कि जैसे ही वो 6 वीक का होता है, जो छोटा माइस 6 वीक का होगा, 6 वीक का होते ही ना उसमें ब्रीडिंग साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मतलब नाउ ही कैन रिप्रोड्यूस. तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हर 21 दिन के अंदर एक नया रिप्रोडक्शन होता है. मतलब आप समझ रहे हो, विद एवरी 21 डेज, 6 वीक का होते ही माइस का ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा और एवरी 21 डेज उसके बाद में वो दे स्टार्ट लिटरिंग. तो इसका मतलब हुआ कि एक पेयर ऑफ माइस अराउंड 500 स्प्रिंग एक सीजन के अंदर देता है. नाउ ये 500 स्प्रिंग क्या करेंगे, फिर से उतना इसको मल्टीप्लाई कर लो. तो दिस इज जस्ट लाइक कि एक कंडीशन ऐसी हो रही है. और इस बार क्या, और हर बार क्या होता है कि जब ये इतने 500 ऑफ स्प्रिंग है ना, ये जिंदा नहीं रहते क्योंकि खाने को इतना होता नहीं है. बट दिस टाइम क्योंकि जो ग्रेन है, ग्रेन हार्वेस्ट है, वो अबंडेंट में हुआ है, खाने की बहुत मतलब अच्छी मात्रा में फसल हुई है. हम बोलते हैं ना कि इस बार किसान बहुत खुश है, अच्छी मात्रा में फसल हुई है. तो अच्छी मात्रा में फसल का फायदा इन चूहों ने उठाया है और लाइक दे इंक्रीज देयर पॉपुलेशन बाय दिस मच नंबर एंड दे लाइक लिटरली हैड एन एक्सप्लोजन इन देयर ऑडेंट नंबर. और ऐसे में एक्सप्लोजन जब हुआ है तो जो मतलब हर साल इतनी बेट इतना माउस माइस होता नहीं, इतना रोडेंट होता नहीं है, तो दे हैव लाइक देयर लिमिटेड बेट्स इन द माउस ट्रैप. लेकिन इस बार विद दिस एक्सप्लोजन पीपल डोंट हैव, दे आर लाइक डीलिंग विद द इन्फेस्टेशन कि वो आ रहे हैं, काट रहे हैं, इसकी वजह से ह्यूमन डिजीजेस भी बढ़ रही है. तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस प्लेग का ह्यूमन पे. अच्छा, विक्टोरिया की जो ऑस्ट्रेलिया में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके अकॉर्डिंग अराउंड 2200 स्पीशीज ऑफ रोडेंट है ऑस्ट्रेलिया में, और उनमें से 60 नेटिव है और जो 3 इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट स्पीशीज हैं. ये रोडेंट दे डिस्ट्रॉय फूड ग्रेन्स, दे डैमेज द हाउस होल्ड, दे डैमेज द इलेक्ट्रिसिटी वायर, कमर्शियल बिजनेस, फार्मर, मैन्युफैक्चरर, लाइव स्टॉक, योर फूडिंग, योर बेडिंग, एवरीथिंग, दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि वो मटीरियल को खा के खराब कर देते हैं, वो उस सप्लाई को बिना खाए भी उस पर एक्सक्रीट करके भी उसको रियून कर देते हैं. तो मतलब दोनों तरह से, मतलब खराब, मतलब बात ये है कि पूरी फसल उन्होंने खराब कर दी. तो ऐसे में रोडेंट्स की वजह से 2 डिजीजेस भी हो जाती है, एक तो टाइफस फीवर बोलते हैं इसको और एक हम बोलते हैं लेप्टोप्रियोसिस. तो ये लेप्टोप्रियोसिस जो है ये दिस इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो, और ये जो है ये रोडेंट टू ह्यूमन में स्प्रेड होती है. इसके अलावा जो फ्लीज एंड टिक्स होते हैं वो भी पेट और जो ह्यूमन है उनको भी परेशान करते हैं. ऐसे में जो रेट एंड माइस है वो वॉल में चले जाएंगे, सीलिंग्स में चले जाएंगे, आपके पाइपलाइन में, कबर्ड के अंदर, कहीं पे भी चले गए. अब आप कहाँ कहाँ से कितना कितना निकाल निकाल के उनको मारोगे. तो ऐसे में जब वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे तब और भी ज़्यादा डिजीज़ फैलना स्टार्ट हो जाएगी. तो ऐसे में वो रूरल हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स को बाइट कर रहे हैं. तो अभी रिसेंटली रिपोर्ट है कि पिछले इस साल के अंदर जो लेप्टोस्ट्रिस की डिजीज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, एंड दैट इज द रीजन फ्रॉम द इंक्रीज रोडेंट ऑल्सो. अब क्वेश्चन आता है कंट्रोल कैसे करें, क्या करें. तो देखो रेट पॉइजन हमने भी सुना है कि हमारा मोर्टिन का एक रेट पॉइजन आता है. तो आप उसका इंग्रेडिएंट पढ़ोगे ना पीछे आपको उसमें दिखाई देगा जिंक फास्फोर्ड होगा उसमें, अगर आपके घर में है तो देखना. तो ये जो जिंक फास्फोर्ड आता है ये क्या करता है कि ये रेट पॉइजन होता है. तो जनरली बैट के अंदर, बैट क्या होती है कि चूहों को, जैसे आपने देखा होगा कि हम घर के अंदर भी जो चूहे वाला ट्रैप होता है उसके अंदर हम एक रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं या कहीं पे हम जो वो मोर्टिन रेट किलर होता है उसका टुकड़ा कहीं पे रख देते हैं, देन दैट रेट ईट्स एंड ही विल गो आउटसाइड एंड डाई. एडवर्टाइजमेंट में भी हमने देखा है, राइट. तो ये जो जिंक फास्फोइड है इसकी अभी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, लेकिन इससे और इसकी जो टॉक्सिसिटी है, मतलब जनरली एक लिमिट होती है कि आप इतने परसेंट ऐड कर सकते हो उतना इसका टॉक्सिक लेवल होगा, लेकिन अभी सिचुएशन इतनी सीवियर है कि उसकी टॉक्सिसिटी को भी उसमें इंक्रीज कर दिया जाएगा. देखो गवर्नमेंट को इनिशियली ऐसा लग रहा था कि जब बहुत तेज बारिश होगी और विंटर आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है. सदर्न हेमिस्फीयर में मतलब हमारा जब समर चलता है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा. तो अभी हमारा जैसे समर स्टार्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया में उतना ही सीवियर विंटर स्टार्ट हो जाएगा. तो वहाँ की गवर्नमेंट को लग रहा था कि हैवी रेन और विंटर की वजह से ये जो रोडेंट है इनका पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. जिस पहले हम नई क्रॉप जब प्लांट करेंगे उससे पहले पॉपुलेशन कम हो जाएगा, बट दैट डिडंट हैपन, ऑपोजिट हैपन, रीबाउंड हो गया. मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑटम, सिंस दी ऑटम फ्लड. तो ऐसे में
इसको अर्जेंट इकोनॉमिक एंड हेल्थ इमरजेंसी तो बोल ही दिया और गवर्नमेंट ने इंटरवेंट कर दिया। तो इंटरवेंट करने के अंदर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कि आप ये एक एंटी कोगुलेंट बेट आती है ब्रोमोडाइलिन की, तो इसको ना आप अप्रूव करना स्टार्ट कर दो। इसको अप्रूव हालांकि कर दिया इन्होंने अभी जो भी आउटलोड थी। तो इसमें क्या है कि एंटी कोगुलेंट पॉइजन के दो बेनिफिट होते हैं। एक तो ये एक सिंगल ग्रेन के अंदर ही जो बेट है वो आप मतलब वीट के साथ उसको मिक्स कर दो गेहूं के साथ में, तो ये सिंगल डोज के अंदर ही लीथल डोज बन जाती है, मतलब बहुत हाई टॉक्सिसिटी होती है। और इसका ना इफिकेसी डिलेड है। इफिकेसी मतलब ऐसा नहीं है कि उसने खाया और मर गया, इट टेक्स टाइम। माउसेस के अंदर क्या होता है ना कि देखो अगर माउस ने कुछ खाया और अगर वो बीमार पड़ गया, टेम्पररी सिक हो गया ना, तो वो और उसके आसपास के माउस उस मटेरियल को खाना बंद कर देंगे, तो वो इम्पैक्ट नहीं करता है। इसमें क्या है कि एंटी कोगुलेंट के अंदर कि वो खाता रहेगा, वो सडनली बीमार नहीं पड़ेगा। और इस वजह से इवन दो सिंगल डोज वॉजेंट इनफ टू किल देम, तो क्या करेंगे कि थोड़ा और ग्रेन खाएंगे, सस्पिशियस नहीं होंगे कि उनको मारने के लिए कुछ चीज़ रखी गई है क्या। दे आर ऑल्सो स्मार्ट स्पीशीज, तो जैसे ही उनको लगा कि अरे इससे मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है, दिल स्टॉप ईटिंग इट, और उनके आसपास के जो माइस हैं वो भी उसको खाएंगे नहीं, तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो रहता है। तो ये जो डिलेड इफिकेसी है ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इस एंटी कोगुलेंट पॉइजन का। लेकिन द पॉइंट इज कि यार दिस द रोडेंट्स आर नॉट दी ओनली एनिमल देयर, क्योंकि ये जो एंटी कोगुलेंट है ये सेंट्रल इंग्रेडिएंट होता है हमारे हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल, ये हमारा जो हमें बोल रही हो ना कि उसमें भी पाया जाता है मोर्टिन रेड किलर के अंदर भी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो एंटी कोगुलेंट होता है ये फूड चेन में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो चूहे मर गए हैं या जो वेट चूहों की बेट के लिए डाली थी उसको बाकी, जैसे मान लो कि बर्ड आके खा रहा है या कोई दूसरे अगर हमारे पेट एनिमल भी आके खा रहे हैं, जो दूसरे बर्ड है वो इन जो मरे हुए डेड माइसेस हैं उन पे जब वो फीड करेंगे तो ये उनकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो लीथल इतनी हैवी डोज होती ना कि ये सेकेंडरी पॉइजनिंग की तरह काम करती है, मतलब आपने यहाँ पे बेट डाला, इसको इस माइस ने खाया तो माइस तो मर गया, लेकिन इस माइस को खाने के इस मरे हुए चूहे को जब कोई दूसरा एनिमल खाएगा तो उसमें भी वो पॉइजन चला जाएगा। नाउ दैट इज़ द प्रॉब्लम कि वहाँ पे मतलब ये एंटी कोगुलेंट ये जो है ये दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग दिस विल क्रिएट इशू इन टू दी अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो अभी इसका सोल्यूशन हालांकि एज सच कुछ इतना आया नहीं है अभी, इस लाइक कि वी आर इन दी एमरजेंसी सिचुएशन, हम क्या करें। तो अभी लेट जस्ट सी कि क्या डेवलपमेंट होता है, आई अपडेट यू अबाउट इफ देर इज एनी डेवलपमेंट ऑन दिस। बट हाँ, मैंने इसीलिए इसमें ज़्यादा वीडियोज एंड फोटोज नहीं रखा है बिकॉज लाइक आई डिड नॉट फील गुड वॉचिंग दोज फोटोज एंड वीडियोज। So I thought ki if you're curious, you can go on the YouTube and Google and you can just like look at the images and like what is happening, what is the mice rain happening in the Australia. So this was it. मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_buddha पे सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं। सो दिस वॉज इट। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए, हाइड्रेटेड रहिए, वैक्सीन का स्लॉट लगवा लीजिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे स्लॉट्स ओपन होते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कब स्लॉट ओपन होता है एंड यू कैन गो एंड वैक्सीनेट योरसेल्फ एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।